सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोनिया यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हम पाठ 10 नीति के दोहे का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम रहीमदास जी एवं वृंद जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। पाठ 10 नीति के दोहे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत कबीरदास, रहीमदास एवं वृंद जी के दोहों का वर्णन किया गया है। पूर्व कक्षा में हमने कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम रहीमदास एवं वृंद जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, रहीमदास जी के दोहों का अध्ययन करने से पहले हम उनके जीवन का परिचय जानते हैं। कवि रहीम की जीवनी। रहीम, पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना, का जन्म सन 1556 को लाहौर में हुआ था। रहीम मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर का भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। उनका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। वे एक ही साथ कलम और तलवार के धनी थे और मानव प्रेम के सूत्रधार थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है और लौकिक जीवन व्यवहार पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति की वर झलक को पेश करता है। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 में हुआ। रहीमदास जी के दोहे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, अर्थात पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, सरवर पिए न पान और तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि सज्जन मनुष्य ही अपनी संपत्ति का संचय दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, न कि स्वयं के लिए। अर्थात इस दोहे में रहीमदास जी ने सज्जन पुरुषों की पहचान बताई है कि जो मनुष्य सज्जन होते हैं, वे अपना तन, मन और धन दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। संपत्ति का संचय भी वही करते हैं, उससे वे स्वयं लाभ नहीं उठाते, बल्कि उनका धन दूसरों के काम आता है। रहीमदास ने सज्जन पुरुषों की तुलना फलदार वृक्ष और पानी से भरे सरोवर से की है। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का गुण और धन भी अपने लिए नहीं होते, बल्कि दूसरों के लिए होते हैं। इस दोहे की विशेष बात यह है कि यह दोहा दूसरों के लिए ही सज्जन पुरुषों को जन्म देता है। सज्जन व्यक्ति की तुलना फलदार वृक्ष और लबालब पानी से भरे सरोवर से की गई है। वृक्ष और नदी अपने गुणों का लाभ स्वयं नहीं उठाते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के धन और गुण दूसरों के ही काम आते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास ने सज्जन पुरुषों की महानता का वर्णन किया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य मूल रूप से अच्छे स्वभाव वाला है तो उसके ऊपर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छी प्रकृति वाले मनुष्य की तुलना रहीमदास जी ने चंदन के वृक्ष से की है कि जिस प्रकार सुगंधित चंदन के वृक्ष पर काले जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चंदन अपना सुगंध बिखेरता रहता है, जहरीले सर्प के विष का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार सज्जन प्रवृत्ति वाले मनुष्य को दुर्जन मनुष्य की संगति का असर नहीं पड़ता। इस दोहे की विशेष बात यह है कि मनुष्य का आंतरिक और मूल गुण अपरिवर्तित रहता है। उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति पर कुसंगति का असर नहीं पड़ता।
जहरीले सांप के विष का प्रभाव चंदन की खुशबू पर नहीं पड़ता। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति अर्थात धन की अधिकता होने पर बहुत सारे लोग आपसे मित्र बन जाते हैं। उस समय जब आपके पास संपत्ति होती है तब लोग अलग अलग बहाने ढूंढकर आपसे मित्रता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे मित्र हमारे वही लोग होते हैं जो विपत्ति या बुरा समय आने पर भी दृढ़ता के साथ हमारा साथ निभाने को तैयार खड़े होते हैं, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। एक ही साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचबो फूलई फलई अगाए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक ही मूल उद्देश्य को लेकर चलना चाहिए और उसे ही पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ से फल प्राप्त करने के लिए उसके समस्त अवयवों को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी प्रकार एक लक्ष्य केंद्रित कर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस दोहे की विशेष बात यह है कि जो मुख्य वस्तु है उसे ही केंद्र में रखकर अपने कार्य का निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार दो नाव की सवारी करने वाले डूब जाते हैं, उसी प्रकार कई उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ने से नुकसान की आशंका रहती है। हमें अपना पूरा ध्यान मुख्य बात पर ही लगाना चाहिए। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखे की पौन। इस दोहे में वृंद जी द्वारा मेहनत के महत्व का वर्णन किया गया है। जीवन में बिना किसी प्रयास के कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। विद्या रूपी धन की प्राप्ति के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। जैसे बिना पंखे को हिलाए हवा प्राप्त नहीं होती, ठीक वैसे ही बिना प्रयास किए विद्या रूपी धन की प्राप्ति नहीं होती। सबई सहायक सबल के कौन निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपई देत बुझाए। इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि मजबूत व्यक्ति की दुनिया में हर कोई सहायता करता है, लेकिन कमजोर व्यक्ति की सहायता कोई भी नहीं करता। जैसे हवा आग को बढ़ाती है, अर्थात हवा तेज आग को बढ़ाती है, लेकिन उसी आग से जलते हुए छोटे से दीपक को बुझा देती है। बच्चों, अब हम अपना कक्षा कार्य शुरू करेंगे। कक्षा कार्य में हम पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 10 नीति के दोहे, दिनांक लिखेंगे 3/12/2020, कक्षा कार्य। लिखित प्रश्न 3, आत्म प्रशंसा और परनिंदा न करने के पीछे कबीर का क्या तर्क है? उत्तर, कबीरदास ने आत्म प्रशंसा और परनिंदा दोनों से ही बचने की सलाह दी है। वे कहते हैं कि हमें आचरण के ऊंचे स्तंभ पर चढ़ना है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। अर्थात अपनी बड़ाई और दूसरों में दोष देखना, यह दोनों आत्मोन्नति में बाधक हैं। प्रश्न 4, इस संसार को सीमल का फूल क्यों कहा गया है? उत्तर, सीमल का फूल लाल और आकर्षित होता है, परंतु शीघ्र ही मुरझाकर गिर जाता है। इसी तरह संसार भी है, जहाँ जीवन की खुशियाँ 4 दिन तक ही ठहरती हैं। यही कारण है कि संसार को सीमल का फूल कहा गया है। प्रश्न 5, रहीमदास जी ने भुजंग का उदाहरण किस लिए दिया है? उत्तर, रहीमदास जी ने भुजंग अर्थात सर्प का उदाहरण कुसंगत अर्थात बुरी संगति के अर्थ में दिया है। जिस प्रकार सांप के लिपटे रहने पर भी चंदन में उसके विष का प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार सज्जनों पर कुसंग का प्रभाव नहीं होता। मौखिक प्रश्न 3, रहीम ने सच्चे साथियों के विषय में क्या कहा है? उत्तर, रहीम ने सच्चे साथियों के विषय में यह कहा है कि जो सच्चा मित्र होता है वह हर मुसीबत में साथ देता है। प्रश्न 4, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं? उत्तर, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय दूसरों के लिए करते हैं। प्रश्न 5, सब लोग किसकी सहायता करते हैं? उत्तर, सब लोग बलवान व्यक्ति की सहायता करते हैं। गृह कार्य, बच्चों गृह कार्य में हम शब्द कौशल करेंगे। प्रश्न 1, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, करनी
कर्म कार्य विपत् विपत्ति मुसीबत मीत मित्र सखा साचे सच्चा सत्य पौन हवा पवन सुजान सज्जन भद्र। प्रश्न दो, विलोम शब्द लिखिए। निंदा स्तुति हित अहित संग असंग सबल दुर्बल मित्र शत्रु उद्यम अनुद्यम। तो बच्चों इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ तरीके से करेंगे। आज के ना ही मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।